हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचेद्र किरण विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। खबर रीमा से है, जहां 12 तारीख का रात के 2:30 बजे के लगभग ब्रजेश बुनकर पिता रमेश बुनकर थाना पहुंच के रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताएं कि वहाँ और उनका एक साथी जितेंद्र एक ठहिये कमरा में रहत रहे। हम और साथी ईएमआर सब्जी मंडी में फल कंपनी के समूह अपन दुकान लगावत हम। बताएं कि 11 तारीख का रात के 9:30 बजे दुकान से पैदल ही लौटत रहे, तब तुलसी चौराहा के लगे 4 लड़का खड़े रहे। बतावा जाता है कि आरोपी का पुलिस एक टीम बना के पकड़ ली हम। खबर रीमा से है, जहां कोटा में खाना बांटाई व घपला कराई वाले दुई जनन का जेल भेज दिन का खबर। बतावा जाता है कि कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश में खाद्य विभाग अधिकारी यह कार्यवाही करी हमा। जेल जाए वाले में एक जने भलुहा और एक जने रायपुर करजुलियान के बताए जात हमा। खबर रीमा से है, जहां चुनाव के चलत जिला में हत्या और मारपीट की घटना बढ़ी गई है। बतावा जाता है कि आए दिना यह मेयर के घटना से गांव वाले चैन से नहीं सो पावत लगा ही। बतावा जाता है कि बैकुंठपुर के गांव बरहा में रात के सोबत पर 55 वर्ष के यज्ञ शरण साकेत की हत्या कर दी हमा। पुलिस को रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यज्ञ शरण साकेत, करीब 55 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है, रहने वाला बराक है, और इसकी किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। उसके बाद करीब आधे घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि वो व्यक्ति था, अपने घर से करीब 7-8 मीटर की दूरी पर बाहर ही सो रहा था रात्रि में, और उसको बता रहे हैं कि रात्रि में करीब 2:15-2:30 बजे के आसपास किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद से लोग उठे तो देखा कि उसको कुछ गले के नीचे सीने के पास में गहरे हथियार से धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। खबर सतना से है भाई, जहां अमर पाटन में एक ठे व्यापारी दिलीप जैन का दिन दहाड़े गोली मारा के मामला समूह आवा है। बतावा जाता है कि वही इलाका के एक ठे सट्टा खेलाई वाला शिव चरण गुप्ता अपने बंदूक से गोली मार के यह घटना का अंजाम दे दी और वही टे खड़ा रहा। सट्टा के पैसा न दे के चलते हत्या करे रहा, यह बात पुलिस के समूह कबूली लही सी। वहीं सूचना मिलते पुलिस पहुंच गए और अपराधी का पकड़ के जेल भेज दी हम। ये अमरपाटन कस्बे में मेन चौराहे पर आज रात करीब 8:30-9 बजे की बात है, दिलीप जैन और शिव चरण गुप्ता ने गोली मारी, इससे उसकी मृत्यु हुई। मैटर दर्ज कर लिया हम लोगों ने, केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए हमने हिरासत में लिया है। अभी कट्टा भी जब्त हुआ, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। खबर रीमा से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प निर्देश दीन के नगरीय निकाय निर्वाचन की आचार संहिता लागू हो गई और कलेक्ट्रेट और बाकी जगह में महापौर और पार्षद खातिर निर्देशन पत्र भरे जात लागमा, और कहीं के यह बेर की निर्देशन पत्र में अपने कमाई के लेखा जोखा जमा करब जरूरी है। कहीं को जो कौनो बैंक वाले खाता नहीं खोला ताही तब बैंक वाले के ऊपर कार्यवाही की जाये। खबर रीमा से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बजते एक बेर की पुन के कांग्रेसिन के गुटबाजी देखे का समूह आवत लागी। एक बेर की पुन के कांग्रेसिन के गुटबाजी देखे का समूह आवत लागी। एक गुटबाजी के फायदा हर बेर की भाजपा का मिलत रहा है। कांग्रेसी अपने खोदे गड्ढा में गिरत हमा और भाजपा उन गड्ढा का पार्टी दी। यही उठक पटक के एक ऑडियो आवा हवा, आई अपना पंचन का सुनाई थे। बैठा रहेगा तो हो जाएगी इनकी तेरही। हाँ, हम बताएंगे, हमारे दिमाग में है। सर्वे वाला बनवाई भैया, सर्वे वाला बन जब बैठा बनवा ला है। दोनों टीम सर्वे कर रही है ना? हाँ, उसी के तो आदमी है चाटो। हमको तो लगा कि कोई प्राइवेट कर रहा है, वो कोई कंपनी कर रही है, वो कोई मतलब प्राइवेट का यही करवा रहा है। अरे तो बताइए ना, देखने का कुछ ही कहाँ मिल जाएंगे, उनसे पूछिए किस आधार पर आप सर्वे कर रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, जो 5 साल लड़े हैं, क्या कुछ बनवाया जाए। अब किसी बाढ़ में, जैसे उस दिन झब्बू पकड़ लिए थे अपने बाढ़ में, हाँ है, तो उन्होंने कहा किसका नाम लिखे हो, तो लिखे रहे विभूति नारायण, हाँ, ममता गुप्ता, हाँ, और कविता पांडे मंगू सरदार, तो कहीं गएंगे जब वो कहीं सब चोर आई लिखा जाए मिश्रा बाबा, वो जनता नहीं रहा कि पार्षद आई। हाँ
तो हम लोग कहाँ मिल नहीं सकी, उनसे मिल नहीं सकी, कैसे सर्वे हो रहा है कैसा देख रहे हैं। अगर काम हटाए गए ना है तो हम उनका अगर को हमका फोन करी तो हम कहते उनका रोका तुमका तुरंत भेज। ठीक भैया, ठीक है। खबर रीमा से है भाई, जहाँ जिला में कौने न कौने दिना दुर्घटना होते रहा थी। बरसात आवत लागी, जेखा देख के कलेक्टर मनोज पुष्प अलग अलग रोडन के निरीक्षण करत लाग हमा और निर्देश दीन हमा के रोडन का सही कीन जाए जैसे दुर्घटना न होए। आई अपना पंचन का सुनाई थे कलेक्टर का कहीं। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए हम लोग लगातार विभिन्न रोड्स का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी क्रम में रीवा से शहडोल में रीवा जिले की सीमा तक का जो रोड है उसका मैंने एसपी साहब के साथ और पूरी एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ निरीक्षण किया है। इसमें विभिन्न स्थलों पर जो इशूज आ रहे हैं उनका अवलोकन किया गया और उनमें जो जो विभाग सम्मिलित हैं जिनकी भूमिका है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया। सिलपरा पुल के इशू को देखा गया है, वहाँ पे जो सीपेज हो रहा है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए इसको लेकर के भी हाइडल प्रोजेक्ट के साथ और एमपीआरडीसी के साथ उसकी समीक्षा की गई है और उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर रीमा से है भाई, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कलई के कलेक्टर एक्शन मोड में आई है। हमा उनकर कहा भाई कि एह काम मा जे गड़बड़ी करी ओखा बक्सा न चाहिए। आइए अपना पंचन का सुनाए थे कलेक्टर का कहीं। जैसा कि पहले मैंने बताया है पीडीएस में अनियमितता अनटॉलरेबल है और इस हिसाब से हम लोग लगातार जांच और सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं और इसमें न केवल फूड को बल्कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, बैंक को और जो हमारी लीड की एजेंसी है, जो लिफ्टिंग की एजेंसी है नान को, सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जहाँ भी कोई कमी दिख रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में दो जगह सेल्समैन की लापरवाही सामने आई थी जिस पर कार्रवाई की गई है। पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना लिफ्टिंग के लेवल पर ना वितरण के लेवल पर। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।